एक ट्रॉफी देगा ठीक है, और सर्टिफिकेट भी देगा। तो देखो गाइस वेल डन, पूरा फुल हो गया। हिंदुस्तान के लोग इंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जाते थे तभी एक फ्लैग की बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि फ्लैग के नीचे हिंदुस्तान के साथ। क्या आप लोग जानते हैं हमारा इंडियन फ्लैग किसने बनाया था? एक बार सोच के देखो तो, ये सब सारे उसका कलर किसने किया था, उस कितने सन में बनाया था, तो आप लोग नहीं जानते तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने पढ़ा था तो उधर जा रहे हैं, उधर NCC होगा, परेड होगा, ड्रिल होगा, आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग देखिए। तो अभी चलते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ड्रिल करने से, ठीक है। ड्रिल मैं नहीं करूँगा इस बार, तो इस बार मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। तो पहले मैं क्या करता था, तो आप लोग नहीं देखा तो वीडियो एक बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग उधर से देख सकते हो। और अभी चलते हैं, तो मामा भी आएगा शायद, पहले तो मामा आया था, एक फ़ोटो उठा था, देखो लगा दिया। सुबह सुबह आ गए थे, इतना कोहरा देख सकते हो आप लोग। सुबह सुबह आप लोगों के लिए ड्रिल कर दिखाने के लिए आ गया, तो कुछ खा लेते इधर से, मस्त पूरी सब्जी, इधर खाने का मज़ा ही कुछ और लगता है। तो गाइस अभी बाइक को पार्किंग कर लिया, तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, म्यूनिसिपल फील्ड है इधर बहुत बड़ा, तो उधर होगा, तो उधर फुटबॉल मैच भी होता है। तो स्कूल में बस इस बार नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्कूल में नहीं होगा। तो मैंने समझा कि स्कूल में होगा, तो स्कूल में जाने के लिए आया था, लेकिन उधर से घूम के म्यूनिसिपल फील्ड में आ गया। तो इधर आप लोगों को दिखाते हैं, तो देखिए, तो पठान मूवी के, ये है हमारा बोरपेटा टाउन का मूवी हॉल, ठीक है। तो ये मूवी पठान मूवी लगाया हुआ है, तो देखने आऊँगा, आज ज़रूर देखने आऊँगा, तो आप लोगों को रिव्यू बता दूंगा। वाह, बहुत मज़ा आएगा शायद, बहुत मस्त तरीके से दिखाऊंगा आप लोगों को, तो हम भी देखेंगे, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। तो ये भाई लोग भी आया हुआ है, तो पठान मूवी देखने के लिए आया। हाँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह का 7 बज रहे, ठीक है, तो 11 बजे स्टार्ट होगा, तो अभी से आया हुआ है, क्योंकि कल आके कोई कोई तो टिकट भी नहीं मिला था, उसलिए देख नहीं पाया। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूँगा, तो आप लोग देखते रहिए। आज है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा, हैप्पी सरस्वती पूजा सब लोगों को। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं NCC, ठीक है। देखो गाइस हमारे बोरपेटा में कितने सुंदर 26 जनवरी मनाया जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं MC कॉलेज के सहारे अंदर, तो अंदर नहीं आने दे, शायद नहीं देगा बाहर के लोगों को, तो मैं आ गया। तो इधर देखिए ड्रिल करने के लिए रेडी हो रहा है, तो आप लोगों को सारे चीज़ दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। तो ये ड्रेस था हमारे MC कॉलेज का, तो मैंने किया था NSS, है ना, NSS टीम। एक नंबर प्लस मिलेगा नहीं, या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर, हमेशा हम खड़ा रहे तो किसी को जरूरत नहीं है, बार बार मिल जाता है हमको, वो एक नंबर हमारे रहता ही रहता है ना, जहाँ पे रहता है वही हमारा हो जाती है। हाँ, तो बार बार मिल जाता है, बार बार मिल जाता है। तो देखिए इधर भी रेडी हो रहा है, तो पुलिस को भी मिल जाता है प्राइस, तो इधर प्राइस देते हैं NSS का, मतलब NCC का, जो लोग ड्रिल करते हैं ना उन लोगों के लिए एक प्राइस रहता है, जो लोग अच्छा करेगा उसके लिए वो क्या बोलते हैं एक ट्रॉफी देगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी देगा, बहुत सुंदर। देखो गाइस ड्रिल करके लाइन पे आ रहा है, क्योंकि इधर भाषण देगा DC, ADC आएगा, उसके बाद भाषण देगा, इधर स्टेट होके रहना पड़ेगा बिना हिले बिना लड़सर किए। तो देखो गाइस गाड़ी में सजा के रखा है सब्जियाँ, हरा भरा सब्जियाँ, असम में मिलता है ये, खेती करते हैं असम के लोग, तो देखो कितना हरा भरा सब्जियाँ मिलते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये सब्जी। तो गड्डिया में बहुत सारे चीज़ लेके आते हैं एडवर्टाइज करने के लिए और दिखाने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो देखो भाषण दिया है, इतना ड्रिल करी ऐसे शॉक प्राइस दिया हो, ड्रिल मते तो गाइस NCC का कार्यसूची खत्म हो गया, तो फर्स्ट प्राइस आप लोगों ने देखा है, बेटेलियन हावली का पुलिस है वो लोग ने फर्स्ट प्राइस पाया है, और सेकंड प्राइस पाया है MC कॉलेज ने, और थर्ड प्राइस पाया है सेंट्रेसा स्कूल ने पाया है। तो देखो गाइस वेल डन, पूरा फुल हो गया सरस्वती पूजा, इसलिए आप लोगों को सबको हैप्पी सरस्वती पूजा। इधर कपल लोग आया हुआ है, हर एक कपल लोग नहीं है, मैं सुपरमैन को लेके आया हूँ, देखो मैं और सुपरमैन दबा के खा लिया। आप लोगों ने देखा गाइस, हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक इंसान इंडियन फ्लैग को देखकर गर्व महसूस करता है। तो आप लोग क्या जानते हैं किसने बनाया था ये फ्लैग, तो कब बनाया था, तो आप लोगों को माइंड में एक किसने बनाया था, जो हमारे इंडियन फ्लैग का कलर है, जो अशोक चक्र है, वो किसने बनाया था, क्यों बनाया था, इसमें बहुत बड़ी
इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप लोग को सुनिए ध्यान से। जब हिंदुस्तान के लोग इंग्रज के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जाते थे, तभी एक फ्लैग की बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि फ्लैग के नीचे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठा होने के लिए एक फ्लैग की बहुत जरूरत थी। जगह जगह में इंग्रज के लिए आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल में एक फ्लैग बनाया गया था 1906 में। इस फ्लैग को तीन रंग से बनाया गया था और ये इंडिया का पहला फ्लैग था। ठीक है जी, कमाने 1907 में 22 अगस्त के दिन एक फ्लैग बनाया था, तो ये भी आप लोग देख लो। तभी गांधी जी को इस बात ने सताने लगे थे, क्योंकि एक फ्लैग का होना बहुत जरूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए। तभी गांधी जी ने एक झंडा बनाने के लिए दिया, पिंकली फेंकिया नाम के एक शख को वो झंडा बनाने के लिए दिया था गांधी जी ने। तो तभी वो झंडा बना के दिया था, ये झंडा आप लोग देखो। तो ये झंडा गांधी जी को पसंद नहीं आया था। उसके बाद गांधी जी के सहारे और एक झंडा बनाया गया 1931 से 1946 तक। तो ये झंडा था इंग्रज को भगाने के बाद। हिंदुस्तान के लोग ये सोच रहा था कि हमारे आखिरी झंडा कौन सा बनाया जाए। तो वो तो झंडा बनाया था तो 1931 में, वो झंडा तो कांग्रेस पार्टी का था। तो अभी एक झंडा चाहिए हमारे हिंदुस्तान के लिए। वो झंडा बनाने के लिए एक टीम बनाया गया था। उस टीम में बहुत बड़े बड़े नेताजी थे। एक दिन बदरुद्दीन तायब जी ने एक झंडा के बारे में बोला कि पुराने झंडा जो थे उस झंडा के उस चक्र को निकालकर एक अशोक चक्र बनाया जाए। तो वो प्रस्ताव रखा था, तो वो प्रस्ताव सभी लोगों को पसंद आया उस टीम के। तो उसके बाद से ये झंडा हमारा आप लोग देख सकते हो, अशोक चक्र के बना हुआ है तीन कलर का। तो ये झंडा उसी ने बनाया था। तो बदरुद्दीन जी ने तो कहाँ से वो आइडिया था, उसका निजा आइडिया नहीं था, ये उसका बीबी का आइडिया था। मतलब उसका बीबी ने उस चक्र थे ना, वो हमारे इंडियन फ्लैग का चक्र को निकाल कर अशोक चक्र बनाया था एक कागज़ में। ठीक है, उसका पत्नी का नाम था सुरोया नायब। तो आप लोग सच्चे इंडियन हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब और लाइक करने में पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर दो। तो आज के वीडियो इतना देर तक था, तो आगे भी ऐसा वीडियो मिलते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़।